इतनी बड़ी फिल्म का ट्रेलर लॉन्च भी उतना ही बड़ा है और उसे लॉन्च करने के लिए आ रहे हैं बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट। मुझे लगता है जब मिस्टर परफेक्शनिस्ट बोल दिया जाता है तो उस शख्स को नाम की ज़रूरत नहीं है। मैं साक्षात उनको देख के, सर बहुत बहुत स्वागत है सर। ये मेरी खुशकिस्मती है, थैंक यू सो मच गिप्पी कि आपने मुझे इसमें इंक्लूड किया, क्योंकि ये पंजाब की जो फिल्म है कैरी ऑन जट्टा जो 1 आई थी वो सबसे बड़ी कामयाब फिल्म रही है, और 2 ने शायद उसका रिकॉर्ड तोड़ा है, और अब 3 जो है वो उसका रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर एंड इट्स अ ग्रेट प्लेजर, और सारी टीम को मेरी तरफ से शुभकामनाएं एंड ऑल द वेरी बेस्ट सोनम टू यू एंड टू गिप्पी एंड द एंटायर टीम। समी जी, हमारे करियर जो हैं इसी फिल्म से शुरू हुए, तो ये टीम हम आज सभी पंजाबी के इतने बड़े फिल्में बड़ी बनने लगी, सब आर्टिस्ट भी अच्छे हो गए पंजाबी के हिसाब से, तो इस फिल्म के लिए किसी को मैनेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें लगता है कि ये फिल्म हमारी एक जिम्मेवारी है, हमें अच्छी बनानी चाहिए, सबको एफर्ट करनी चाहिए। मतलब कोई भी आर्टिस्ट ऐसा नहीं है, मतलब आज भी आप, क्योंकि आर्टिस्ट के ना फेस से पता चल जाता है कि वो फिल्म को कितना अपना इनपुट देना चाहता है, कितना नहीं देना चाहता है। सो सारी टीम 3 दिन से बॉम्बे बैठी है, हमारा जोर लगा हुआ है कि भाजी को हमने रिक्वेस्ट की कि आप आओ, क्योंकि फिल्म पैन इंडिया लेके जाए जी, तो बहुत एफर्ट किया, किसी को मैनेज करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, सबने अपने आप को खुद ही नहीं। मैंने कहा भी इतने सुपरस्टार इकट्ठे कर लिए बड़ी मुश्किल होती है, तो ये तो वैगी भाइयों वाली बात होगी आप सबकी। वैसे तो मुझे लग रहा है कि कपिल यहाँ पे है, शर्मा जी ये जिम्मेदारी आप 10 साल से निभा रहे हैं टीवी पे, तो अगर एक आधा सवाल आप ही कर ले तो मैं, मुझे लगता है ज्यादा अच्छा हो जाए। मैं चेक ही करने आया, तू ठीक कर रहा है कि नहीं लगता कि यार यहाँ भी तो मेरे पीछे पड़ गया अच्छा हुआ ये लेट आया, वरना मैं पहले चेक कर लेना इसने। जैसे कई बार गुगी भाजी ने कहा कि धरोहर है, हम सब मानते हैं जितने भी लोग इस वक्त इस सिनेमा घर में बैठे हैं कि ये वाकई में हिंदुस्तान का एसेट है, धरोहर है। व्हाट वाज हिज रिएक्शन कि आप आइए और ट्रेलर लॉन्च करिए, क्या कहा? जैसे मैंने कहा कि जल्दी राजी नहीं होते हैं हर चीज के लिए। अच्छा पता नहीं क्या ये फॉल्स चीजें फैला रहा है मेरे पास। एक्चुअली मैं जेन्युइनली बताऊं कि जब मैंने बताया भी अपनी टीम को, पीयर वालों को, कि आमिर भाई आएंगे, तो उन्होंने वापस जाके मेरे मैनेजर विनोद जी को कन्फर्म किया कि आप कन्फर्म कर लीजिए, हम मीडिया को अपडेट नहीं करेंगे कि वो नहीं आएंगे। विनोद जी मुझे बोलते कि भी सर आएंगे, मैं कहा हाँ, कहता वो बोल रहे हैं कि नहीं आएंगे, मैं कहा उनकी बात हुई है या मेरी बात हुई है? मतलब सीरियसली मैं बताऊं, मैंने उनको एक मैसेज ड्रॉप किया एंड मैं उस टाइम छुट्टियों पे था मैक्सिको, तो इन्होंने मुझे कॉल किया कि मैं, कहते अभी इज दिस अ राइट टाइम टू कॉल? मैं कहा हाँ जी पाजी, तो तभी इनका कॉल आया, कहते हाँ बता कब करना है? मैं कहा पाजी ऐसे ऐसे आप बताओ कौन सी डेट है, इन्होंने बोला कि तू बता कौन सी डेट है, जिस डेट को बोलेगा कर लेंगे। और जेन्युइनली मैंने अपनी टीम को बताया कि बाजी आएंगे, वी आर सो हैप्पी, और बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं था कि, क्योंकि शायद, क्योंकि जिस आमिर को मैं जानता हूँ शायद आप पता नहीं तो किसी और को जानते हैं, मतलब मेरे साथ तो जब से हैं, मतलब कभी भी ऐसा नहीं हुआ। और पंजाब आते हैं, जब हमारे घर आते हैं, वहाँ बैठते हैं, क्योंकि मैं इनको, मेरे लिए ये बड़े भाई हैं, मतलब हमने इनको बचपन से देखा है पिक्चरों में, बहुत सी चीज़ें सीखी हैं, और सबसे ज़्यादा जो चीज़ें सीखी हैं वो मतलब मैंने फिल्मों में इनसे नहीं सीखा, इनको जब मिलता हूँ, इनसे बात करता हूँ, तो तब मुझे पता चलता है कि ज़िंदगी क्या है, कैसे रहना चाहिए। क्योंकि स्टार, जैसे कुकी भाजी ने बोला कि कोई भी आर्टिस्ट बन जाता है, इतना हम्बल मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई बंदा नहीं देखा जितने भाजी हैं। और सर वैसे गिप्पी जी ने बताया था कि इनका रिएक्शन तो पता नहीं क्या था, लेकिन इनकी फैमिली का रिएक्शन ज़रूर था आमिर भाई की, बोले ट्रेलर लॉन्च पे आप तो अपने पे नहीं जाते तो किसी के। आमिर सर वांटेड टू से समथिंग। नो बट आई हैव टू से दैट गिप्पी इज लाइक फैमिली, वो परिवार की तरह है, तो उसका एक मैसेज आया और मैंने बोला डेट बता दो यार, मैं कब आना है मुझे बस। आपको खुद पर्सनली ट्रेलर कैसा लगा? और मुझे बहुत अच्छा लगा एक्चुअली। मैं फिल्में बहुत कम देखता हूँ, इत्तेफाक की बात है, मतलब मैं किताबें ज़्यादा पढ़ता हूँ, तो मैंने ना कैरी ऑन जट्टा 1 देखी ना 2 देखी, लेकिन अभी जब मैंने ट्रेलर देखा तो मैंने फॉरन ट्रेलर जो फर्स्ट टाइम कंप्लीट हुआ, मैंने उसको पता है नाउ आई नो कि 1 और 2 क्यों इतनी हिट हुई, क्योंकि इतना एंटरटेनमेंट मुझे मिला इस, यू नो, 2.5-3 मिनट के ट्रेलर में। इट वॉज सो एंटरटेनिंग दैट आई फेल्ट कि मुझे देखनी है फिल्म। तो आई थिंक ये फिल्म यकीनन बहुत कामयाब होगी, और ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसी एंटरटेनिंग फिल्म के साथ आप एक ऑल इंडिया अटेम्प्ट कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, कि ये पंजाबी फिल्म जो है वो देश भर में लोग देखें। और मैं देश भर के सारे लोगों से कहूँगा कि प्लीज़ ये फिल्म जो है आप देखिए, बहुत ही एंटरटेन करेगी आपको, दिस इज अ सुपर हिट सीरीज एंड आई थिंक दैट इट इज टाइम फॉर पंजाबी सिनेमा टू गिव एन अपॉर्चुनिटी, एंड वी शुड ऑल कम फॉरवर्ड टू गिव दैट अपॉर्चुनिटी टू पंजाबी सिनेमा।
हेलो कपिल सर, गुड टू सी यू. आप भी एकदम हमारे लिए सरप्राइज थे, हमें तो इल्म नहीं था. पहले तो लोग आमिर साहब के लिए नहीं मान रहे थे, फिर अचानक आप भी आ गए. क्या कहना चाहेंगे टीम के बारे में, और क्या आपने ये बाकी की सीरीज फ्रेंचाइजीज है, ये बाकी की दो फिल्में देखी हैं, कैरी ऑन 1-2? मैं बहुत आज खुश हूँ कि आज यहाँ पर ट्रेलर लॉन्च हो रहा है. सारी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद, और सो गुड टू सी आमिर भाई कि आप पंजाबी सिनेमा. अरे मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूँ कपिल के बारे में. मैं एक्चुअली इसको 2-3 दिन पहले फोन करके मैंने उसको बोला, 2 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते हो गए जी. एक्चुअली मैं आजकल काम वाम कम कर रहा हूँ, फैमिली के साथ ज्यादा हूँ, तो शाम को मैं कुछ ना कुछ कॉमेडी, मुझे बहुत पसंद है देखना, तो हर रात को मैं कुछ ना कुछ देखता हूँ सोने से पहले. तो पिछले कई महीनों से मैं कपिल का शो देखता हूँ, और मैं इतना बड़ा फैन हो गया हूँ इनका. तो मैं मतलब आपने देखा होगा, सबसे ज्यादा मैं मुस्कुरा रहा था जब वो आए. लव यू आमिर भाई. आपने तो इतने मेरी इतनी शामों को इन्होंने रंगीन बनाया है, तो इतना हंसा हूँ मैं, इतना एंटरटेन हुआ हूँ. तो मैंने कुछ 1-2 हफ्ते पहले मैंने फ़ोन करके बोला कपिल जी से कि थैंक यू सो मच, आप इतना एंटरटेन करते हैं लोगों को, ये इतना बड़ा काम है लोगों का दिल बहलाना. सो आई एम सो हैप्पी टू सी यू हियर एंड आई एम वन ऑफ योर बिगेस्ट फैंस कपिल. थैंक यू आमिर भाई. हाँ. और आपने मुझे कभी शो पे नहीं बुलाया, ये यार ये गलत बात. देखो इससे पहले कि वो पूछे मैं ही बोल देता हूँ. भाई आप देखो, कपिल से एक कदम आगे हूँ मैं. हमारा सौभाग्य होगा जिस दिन आप आओगे. और मैंने बहुत बार जब भी आमिर भाई से कभी मुलाकात हुई, हमेशा भीड़ भाड़ में हुई, तो मैंने बहुत बार रिक्वेस्ट भी किया आमिर भाई को, तो बोलते ठीक है मैं अभी कहीं जा रहा हूँ, वापस आके बात करते हैं. कट टू सीधा 3 साल बाद मिलते हैं. सो आप आएंगे तो मैं 100% आऊंगा. लेकिन मैं एक और चीज बोलता हूँ, आप क्या है मेरी रिलीज के टाइम पे आप मुझे बुलाते हैं. नहीं नहीं नहीं, उसके लिए मुझे रिलीज के लिए नहीं आना है, मुझे आप अलग से एंटरटेनमेंट के लिए बुलाइए. डेफिनेटली डेफिनेटली आमिर भाई. और आप सब देख ही रहे हैं कि इनका ह्यूमर कितना मजेदार है. जब आमिर भाई आएंगे तो बड़ा मजा आएगा. खैर आज मैं इस फिल्म की बात कर रहा हूँ, तो बहुत बहुत मुबारक सारी टीम को. और क्योंकि ये टीम मेरे लिए बहुत खास है, मेरे परिवार की तरह है. और कुकी पाजी मेरे टीचर रहे हैं कॉलेज के टाइम से, जब हम लोग थिएटर करते थे तो मैंने इनसे सीखा है. पल्ला साहब, इनको हम लोग सुनते रहे ऑडियो कैसेट और ये सब. और गिप्पी पाजी भाई हैं, समीप पाजी, उनके उनके लिए मेरे मन में बहुत रिस्पेक्ट है. जैसे कुकी पाजी ने कहा कि किस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ में यू नो बहुत सारी चीज़ें देखी हैं. हर आर्टिस्ट की शायद हिस्ट्री में ऐसा होता है. और मुझे बड़ी खुशी है कि आज आप इतनी अच्छी अच्छी फिल्में बना रहे हैं. और मैंने कैरी ऑन जट्टा फर्स्ट जो थी रिलीज से पहले देखी थी, जब समीप पाजी ने गिप्पी पाजी ने यहाँ पर प्रीमियर रखा था, तो मैंने फिल्म देख के बोला, मैंने कहा आपकी फिल्म बड़ी सुपर डुपर हिट है जी. पहली बार आपको याद होगा समीपा जी. और ऑब्वियसली फिर दुनिया ने इतना प्यार दिया, और अभी ये इस फ्रेंचाइज का 3रा पार्ट जो है आ रहा है. और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, और बस थैंक यू सो मच, आप इसको और लोगों तक पहुंचाएं और बताएं लोगों को, ताकि जैसे पाजी ने पहले कहा कि हम लोग पहले ना बड़ी सारी ऐसी बातें होती हैं जिनको शायद, जैसे कोई बोलता है कि अच्छा ये साउथ का सिनेमा आ रहा है या पंजाबी का सिनेमा, जब हमारी कोई रीजनल सिनेमा से जाके फॉर एग्जांपल जैसे RRR अगर ऑस्कर में जाती है, तब हम कहते हैं हमारी इंडियन मूवी है. सच्चाई ये है कि हिंदुस्तान में जो भी फिल्म बन रही है वो हिंदुस्तानी मूवी है. ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी इतनी डाइवर्सिटी है, हमारी कंट्री में इतनी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं. और जो भी क्रिएटिव आदमी होता है, कोई अच्छा राइटर, कोई अच्छा डायरेक्टर, कोई अच्छा एक्टर, वो कहीं किसी भी जगह पैदा हो सकता है. हमारे देश में तो ऊपर वाले का इतना हाथ है. सो इतना टैलेंट है, और मुझे लगता है कि अच्छा सिनेमा है वो जो हमेशा ही उसको प्रमोट होना चाहिए. और इसके लिए मैं एक बार फिर से आमिर भाई आपको थैंक्स कहना चाहूँगा कि आप इस फिल्म के लिए आगे आए. और बाकी बस बाकी आप लोगों के हाथ में है. आपसे ये सवाल है कि एक टाइम था बॉलीवुड के बड़े बड़े जाने माने स्टार जैसे पृथ्वीराज कपूर साहब, उन्होंने पंजाबी फिल्म की थी, उस टाइम की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी आई थिंक सो नानक नाम जहाज है. और उसके बाद धर्मेंद्र साहब, शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने भी पंजाबी फिल्में की. लेकिन उसके बाद बॉलीवुड के जाने माने नो ए लिस्टर्स, बिग स्टार्स, हम उनको पंजाबी सिनेमा में ना तो देखते और हेडलाइन तो डेफिनेटली नहीं करते. व्हाट डू यू थिंक सो, क्या रीज़न है, और वुड यू लाइक टू स्टार्ट दिस ट्रेंड अगेन? एक्चुअली या आई मीन जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे कहानी पसंद आनी चाहिए, और अगर वो एक दूसरे भाषा में है बट आई रियली लव इट, फिर मैं भाषा सीख के करूँगा. मैं आई थिंक वो टाइम पे जो स्टार्स थे वो उनकी फर्स्ट लैंग्वेज भी, जैसे यूसुफ साहब हैं वो पंजाबी बोलते थे, यू नो राज कपूर जी पंजाबी बोलते थे, तो उनके लिए थोड़ा नेचुरल था पंजाबी फिल्म करना. आई थिंक हम लोग के लिए शायद थोड़ा एफर्ट हो जाएगा. लाइक फॉर एग्जाम्पल पंजाबी इज़ नॉट माई फर्स्ट लैंग्वेज, बट आई वुड लव टू डू इट. अगर मुझे कभी मौका मिले आप कभी बताना. मुझे याद है पाजी ने पहले भी एक बार मुझे बोला कि अगर कुछ हुआ. समीप जी, आप कोई अच्छी सी कॉमेडी लिखिए मेरे लिए, मुझे कॉमेडी करना बहुत पसंद है.
हाँ, इनसे पूछिए अंदाजा अपना अच्छी की मैंने इन्होंने पहले भी बोला था कि अगर कोई रोल होगा मुझे बताना, कॉमेडी में बहुत इंटरेस्ट है, बट हमने कोई चीज होगी ऐसी कि इनको लेके आना तो तब आएंगे। हाँ, जरूर जरूर मैं करना चाहूंगा। तो समीपा जी, जो मेरे लिए आपने बोला था वो फिर कैंसिल अभी। आमिर, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप रीजनल सिनेमा यानी पंजाबी सिनेमा को प्रमोट करते नजर आ रहे हैं। आप हमेशा से रीजनल सिनेमा की बात भी करते रहे हैं, लेकिन एक जो सस्पेंस है वो अभी तक बरकरार है। लाल सिंह चड्ढा के बाद आपने किसी फिल्म का अनाउंसमेंट नहीं किया है और बहुत सारे स्पेकुलेशंस हो रहे हैं। मौका भी है, दस्तूर भी है, क्या आप अनाउंस करना चाहेंगे अगली फिल्म कौन सी होगी आपकी? देखिए, एक्चुअली आज तो हम लोग को सिर्फ कैरी ऑन जट्टा की बात करनी चाहिए, तो ये आप लोग क्यूरियस हो गए तो मैं जल्दी से जवाब दे देता हूँ। इस वक्त मैंने कोई फिल्म डिसाइड नहीं की है, इस वक्त मैं फैमिली के साथ वक्त गुजारना चाह रहा हूँ और उसी में मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि वही मुझे करना है अभी। जब मैं इमोशनली रेडी रहूँगा फिल्म के लिए तब मैं करूँगा ज़रूर, मतलब थोड़ा टाइम मैं फैमिली के साथ बिताऊँ। लुक कुछ नहीं है। नहीं, वो अभी मैं शेव नहीं कर रहा हूँ, बाल भी काट नहीं रहा हूँ, नीचे कर देता हूँ, आपको अच्छा नहीं लग रहा था। नीचे हो गई भाई। नहीं, उनको था कि पंजाबी फिल्म का ट्रेलर है, मुझे मुझे झाड़ के ऐसे करके रखते हैं पूरा, है ना, वो फील लेके आते हैं। I wanted to ask you one thing. It's really nice to see you here for this event. Before this, you were also there for a book launch a couple of months ago. You know, since we see you so much in social events now, we still miss you on social media with the kind of you used to share a lot on social media too, but now with the way social media is changing, do you think you left social media at a right time and you are now spending more time in public in so like in such events? Nahi itna sab nahi socha maine. Actually main social media pe jab tha wo naam ka tha, main I used to hardly post, to I was never really active on social media. It's not, I think it's a wonderful thing, by the way, but it's just not for me. So, yeah. Yeah. But since you left social media, things have also changed. The kind of hate that we receive. I don't know. I have no idea. I'm not on social media. Mujhe idea nahi hai, maa kasam. Amir, usually, you know, people, I mean, the stars, when the film is releasing, they prefer going to Kapil's show. Kyunki inki angrezi bhi bahut achhi hoti hai. मैंने बोला ना, इसने कभी बुलाया नहीं मुझे। तो आप क्यों नहीं जाते हो? नहीं, आपने कहा तू तब बुलाता था जब रिलीज हो रहा है, तो ये तो आपके लिए पर्क होता है ना, तो इट इज अ पर्क, यू शुड गो। व्हाई आर यू डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स? नो नो, नॉट एट ऑल, इट्स नथिंग लाइक दैट, इट्स जस्ट दैट एट दैट टाइम इट बिकम्स वेरी हेक्टिक फॉर मी, देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग, आई एम नॉट इवन इन बॉम्बे, आई एम ट्रैवलिंग, सो इट डजंट वर्क आउट, सो व्हिच इज व्हाई आई टोल्ड हिम जब मैं फ्री रहूंगा तब मैं आऊंगा, फिल्म का टेंशन मत ले। थैंक यू वेरी मच। हेलो आमिर जी, आमिर जी, मेरा सवाल आपसे है, मेरा नाम आरती सक्सेना है। मेरा सवाल ये है कि अंदाज अपना अपना को आज भी याद किया जाता है। आप गिप्पी से पूछे ना, ये गिप्पी की फिल्म का सवाल पूछे ना प्लीज। ये इसी से कनेक्टेड है, है? कि मतलब अच्छा? मैं, हाँ, कॉमेडी से कनेक्टेड है। अच्छा मारा उसने, कनेक्टेड कैसे कनेक्टेड, मेरे को समझाइए पहले। मतलब कॉमेडी से कॉमेडी कनेक्टेड है, कॉमेडी, हाँ, कि लाइक आपकी अंदाज अपना अपना बहुत हिट हुई और आज भी याद। नहीं नहीं, फ्लॉप हुई थी भाई। हाँ, थिएटर में बहुत बड़ी फ्लॉप हुई थी, लोगों के दिलों में आज भी है, होम एंटरटेनमेंट बहुत चली है बाद में। हाँ, तो आज आपके सामने एक असली कॉमेडियन है और एक असली एक्टर आप खुद है, तो आपको नहीं लगता कि ये दो लोग मिलके अगर फिर से एक फिल्म ऐसी बने तो वो भी यादगार साबित होगी, लाइक कपिल शर्मा, कपिल एंड मी डूइंग अ फिल्म टुगेदर? अरे आई वुड लव दैट यार, कपिल। ये तो बड़ी अपॉर्चुनिटी, वही मैं पूछ रही थी कि आई वुड लव दैट। आप परफेक्शनिस्ट हैं और वो हम लोग के सबके दिलों के मतलब बादशाह है कॉमेडी के लिए, मेरे भी दिल के राजा हैं। आई वुड लव टू डू, थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू मेरे कहने पे आपने ये सवाल पूछा।